24 घंटे अलग से चलती रहती थी। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली। योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है और जैसे ही बीजेपी ने पहले ही कहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे करीब आएगा, हमारे जो सेंट्रल के बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में आना शुरू कर देंगे और उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में 5वीं बार उत्तर प्रदेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम किया और इस दौरान उन्होंने कई सारी प्रमुख बातें कही। उन्होंने ये कहा कि बीती सरकारें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काम नहीं करती थी, बीती सरकारों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर थी, बीती सरकारें जनता के हित के लिए काम नहीं करती थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में कमल खिला है तब से उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास हो रहा है। हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने में लगे हुए हैं, हमने स्वास्थ्य महकमे को बढ़ाया है, हमने इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को रोजगार दिया है, हमने उत्तर प्रदेश में 16 मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं, 30 पर काम चल रहा है। इस तरह की बड़ी बातें जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिद्धार्थनगर से कही। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बीती सरकारें थी वो भ्रष्टाचार की साइकिल थी। साइकिल समझ रहे ना, समाजवादी पार्टी की साइकिल, यानी समाजवादी सरकार को भ्रष्टाचार की साइकिल बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यह कहा कि बीते कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की जो भ्रष्टाचार वाली साइकिल थी वो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रही थी और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो विकास है वो ठप हो गया था। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी, लचर थी और उसी का खामियाजा था कि हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा, लेकिन हम धीरे धीरे उस विकास को चौतरफा कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं, हम अस्पतालों का निर्माण करवा रहे हैं, हम बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीती सरकारें जनता के लिए नहीं सोचती थी, हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो जनता के हित के लिए सोचती है, हमारी सरकार बच्चों की जान बचाने के लिए, बच्चों के जीवन को बचाने के लिए काम कर रही है, बीती सरकारों में उनकी जान चली जाती थी। तो ये बड़े बयान थे जो आज सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस भी गए हुए हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां पर भी कई सारे कार्यक्रम जो है वो उनके चल रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। लगातार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। आज समाजवादी पार्टी में बसपा, भाजपा और निषाद पार्टी के कई सारे बड़े सीनियर लीडर्स ने ज्वाइनिंग ली है। इस दौरान अखिलेश यादव ने उन सबका स्वागत किया। इन बड़े नेताओं में अगर हम आपको बताएं तो राम अचल राजभर जैसा नाम है, बीजेपी बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका, बसपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनका भी नाम है। तो ये सब जो बड़े नाम है ये आज सपा में शामिल हो गए और इस दौरान अखिलेश यादव ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में जो विकास आप देख रहे हैं और जिस विकास का फीता बीजेपी काट रही है, दरअसल वो काम हमारा है। अब काम किसका है किसका नहीं है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कौन बोलता है, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि ये सब जो काम है ये हमारा है। सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाह रही थी लेकिन हमारी सरकार ने महंगाई को दोगुना कर दिया। सरकार से किसान इस कदर परेशान है, किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है, इसी वजह से मंडियों में किसान को अपनी फसलों में, अपने धान में आग लगानी पड़ रही है। तो इस तरह के जो बड़े आरोप थे वो अखिलेश यादव ने लगाए। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अब तैयारी पूरी तरह से कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में और प्रियंका गांधी ने 7 प्रमुख वचन लिए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, किसानों का जो कर्ज है वो माफ किया जाएगा, धान का जो मूल है वो बढ़ाया जाएगा, गरीबों को 25,000 रुपया दिया जाएगा, बिजली का जो बिल है वो आधा किया जाएगा, छात्राओं को स्कूटी मोबाइल दिया जाएगा और महिलाओं को 40% टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा आज एक और बड़ी घोषणा प्रियंका गांधी ने कर दी, क्योंकि बात स्वास्थ्य की हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा उत्तर प्रदेश को दिया है। प्रियंका गांधी ने आज सुबह एक ट्वीट किया था,
उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि हमारी जो पार्टी है उसने ये डिसाइड किया है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 लाख रुपया तक का सरकारी इलाज होगा वो दरअसल अब मुफ्त होगा। तो ये बड़ा ऐलान प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। हालांकि ये तब लागू होगा जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। सरकार तो आएगी नहीं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उन्होंने इस पूरे बयान पर, इस पूरी प्रतिज्ञा पर पानी फेर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस जो सुलग रहा था कांग्रेस के अंदर, ये जो लावा था, इस पर पानी फेरते हुए ये कह दिया कि ये अपने साथ विधायक नहीं जिता सकते हैं, इनके पास महिलाएं हैं नहीं, ये टिकट किसको देंगे, इनके सांसद हैं नहीं। पहली बार 2000 जो पुराना जो चुनाव हुआ था 2012 का, उसमें दो सांसद थे, और उसके बाद अभी जो 2019 में हुआ है उसमें महज एक सांसद इनके पास है। तो उन्होंने ये कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ट्विटर वाड्रा है, ट्विटर प्रियंका गांधी, उनको ट्विटर से जोड़ दिया। और उन्होंने ये कहा कि सारी जो घोषणाएं हैं इनकी सोशल मीडिया पर ही होती हैं और ये सोशल मीडिया पर ही सिमट के रह जाएंगे। इनके पास कोई संगठन नहीं है, कोई नेता नहीं है, कुछ भी नहीं है, कांग्रेस मतलब कुछ नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में आज से चुनावी आगाज शुरू कर दिया। इसके पहले ही उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। उन्होंने ये कह दिया था कि हम 403 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पहले कई सारी राजनीतिक दलों से मुलाकात करी लेकिन बात नहीं बनी, और उसके बाद संजय सिंह को यह लगा कि उत्तर प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि हमारा संगठन लगातार मजबूत हो रहा है, हम सड़क पर उतर रहे हैं, हम तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दे पर हैं, हम मुकदमे ले रहे हैं, हम पीड़ितों के बीच जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। और 403 सीटों पर यह घोषणा कर दी गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। फ्री बिजली की घोषणा इनकी तरफ से करी गई है। इसके साथ ही आज से दो दिवसीय दौरा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या का जो रास्ता है यहां से जाने का, लखनऊ से या फिर अयोध्या पहुंचने का जो रास्ता है, उन रास्तों में जगह जगह पर होर्डिंग लग गई थी कि लखनऊ मांगता है केजरीवाल। लेकिन जब केजरीवाल वहां पहुंचे तो उसके पहले उन होर्डिंग्स पर काली पोत दी गई। इसके पहले संजय सिंह ने एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं चाहती है कि केजरीवाल अयोध्या आए, मंदिरों के इस शहर में केजरीवाल नहीं आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो उनके ऊपर हमला हो जाएगा। ये हमला कौन करवाएगा ये अभी नहीं पता चला है, लेकिन संजय सिंह का ये जो बयान था उस पर कहीं ना कहीं सवाल कई सारे खड़े हो गए हैं, क्योंकि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हम तो इनको गिनते भी नहीं हैं, ये तो सिर्फ वोट कटुए की कैटेगरी में आते हैं, AIM और ये आम आदमी पार्टी वाले, तो ये क्यों सोच रहे हैं कि हम इनके ऊपर हमला करवा सकते हैं। फिलहाल सुल्तानपुर में एक पेशी थी आज अरविंद केजरीवाल की, जहां पर कोर्ट में भी उन्हें 1 से 1.5 घंटे बैठाया गया और उसके बाद उनकी पेशी हुई, और अयोध्या जाकर वो साधु संतों से मुलाकात कर सकते हैं, आरती में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन खबर ये भी निकलकर सामने आ रही कि कुछ जो साधु संत हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल एक्सीडेंटल हिंदू हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में घोषणाएं, लोकार्पण, दौरा, सम्मेलन ये चल रहा है, इस पर कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजियां हैं ये भी काफी कुछ कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टेम्परेचर है इलेक्शन का वो अब काफी बढ़ चुका है, और ऐसा ना हो कि ये जो मरकरी का जो ताप होता है ये इतना ज्यादा हो जाए कि उस थर्मामीटर को तोड़ के वो बाहर आ जाए, क्योंकि जो बयानबाजियां हैं उन बयानबाजियों से यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है इलेक्शन, राजनीति, जनता से जुड़े मुद्दे पर। कुछ बयान सुनिए, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते। यहां सिद्धार्थ नगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है, और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में
उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था, ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल। ये भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार, इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है, निरंतर काम किया है। हमने देश में नई स्वास्थ्य नीति लागू की ताकि गरीब को सस्ता इलाज मिले और उसे बीमारियों से भी बचाया जा सके। यहां यूपी में भी 90 लाख मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिला है। इन गरीबों के आयुष्मान भारत की वजह से करीब करीब 1000 करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बचे हैं। आज हजारों जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती दवाएं मिल रही हैं। कैंसर का इलाज, डायलिसिस और हार्ट की सर्जरी तक बहुत सस्ती हुई है। शौचालय जैसी सुविधाओं से अनेक बीमारियों में कमी आई है। यही नहीं, देश भर में बेहतर अस्पताल कैसे बने और उन अस्पतालों में बेहतर डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत बड़े और लंबे विजन के साथ काम किया जा रहा है। योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। रायबरेली और गोरखपुर में बन रहे एम्स तो यूपी के लिए एक प्रकार से बोनस है। भाई और बहनों, मेडिकल कॉलेज सिर्फ बेहतर इलाज ही नहीं देते बल्कि नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक्स का भी निर्माण करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो वहां पर विशेष प्रकार की लेबोरेटरी ट्रेनिंग सेंटर, नर्सिंग यूनिट, मेडिकल यूनिट और रोजगार के अनेक नए साधन बनते हैं। दुर्भाग्य से पहले के दशकों में देश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी रणनीति पर काम ही नहीं हुआ। तो लगभग हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं इस डिबेट में और उन सबका हम स्वागत करेंगे, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी शाही साहब हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय चंद चौबे हैं हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और सैयद मोहम्मद तकी साहब हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के डिबेट में। सबसे पहले मैं प्रदीप भाई आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान और आपको पता भी होगा कि उन्होंने एक भ्रष्टाचार की साइकिल के बारे में कहा है। उन्होंने आज 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा उत्तर प्रदेश को दिया है जो आप लोग नहीं दे पाए आज तक अपने कार्यकाल के दौरान। आप खाली दम्भ भरते आए हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन आज सारी पोल जो है वो प्रधानमंत्री जी ने खोल दिया और उन्होंने ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जो बीती सरकार थी और बीती जो साइकिल थी उसका जो भ्रष्टाचार वाला पहिया था वो बहुत तेजी से दौड़ता था। तो ये भ्रष्टाचार वाली साइकिल आप ही लोग को कहा है ना उन्होंने? प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप
प्रदीप जी को आवाज नहीं मिल रही मेरी शायद, उस पहले मैं अश्विनी शाही साहब के पास चलूंगा। शाही साहब, आज आप लोगों ने एक बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, 9 मेडिकल कॉलेजेस आप लोगों ने दिए हैं और प्रधानमंत्री जी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने कई बातें बोली हैं। ये एक भ्रष्टाचार की साइकिल के बारे में आप लोगों ने कुछ बोला है, ये कौन सी साइकिल और कौन सा भ्रष्टाचार, कुछ समझ नहीं आया। और अखिलेश यादव को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारी आई थी किसानों की आय दोगुना करने के लिए, वो महंगाई दोगुना करके चली गई है। उन्होंने ये कहा कि जो विकास आप लोग अपना गिनवाते हैं वो दरअसल विकास हमारा है, काम हमारा है और गिनवा आप लोग रहे हैं। उनकी पार्टी में आज कई बड़े नेता भी शामिल हो गए, तो अगर इतना कुछ था सपा के अंदर तो ये आप लोग किस भ्रष्टाचार वाली साइकिल की बात कर रहे हैं? नितिन जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज घोषणा की वो सबके सामने है, और मैं बार बार कहता हूं कि जो कुछ भी कोई सरकार काम करती है अपने प्रदेशवासियों के लिए करती है, जिससे 24 करोड़ प्रदेश उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए जो हमारा एक परिवार है और हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको पूर्ण करता हुआ कुछ भी होता है तो वो प्रदेशवासियों के लिए है। आज हम हॉस्पिटल दिए, अभी और भी हॉस्पिटल दे रहे हैं। अखिलेश जी ने एक नारा दिया था, काम बोलता है जी, और इसी पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वही काम जनता को समझ में नहीं आया उनके, जनता ने उनको उठा के फेंक दिया बाहर और भारतीय जनता पार्टी को अपने लबालब आशीर्वाद से परिपूर्ण करके हमको 300 से ऊपर सीट दे दी। अच्छा, एक विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी हमारे अपने वादे पर खरे उतरेगी, हमारे उम्मीदों पर खरे उतरेगी, यहाँ के जनता का था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक ऐसा कर्मयोगी मुख्यमंत्री दिया जिसने उस हर जनता के हर आश्वासन और हर वादे के लिए 24 घंटा अपने पास खड़ा पाया। माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में हर जिले का 2 से 3 बार दौरा कर चुके हैं, और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी अपने जो है संसदीय क्षेत्र में 2-3 बार भी नहीं गए आज तक। अच्छा सर, ये अंतर है। ठीक है, दौरे से एक सवाल मेरा आपसे है, दौरे पे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए हैं अयोध्या के, और संजय सिंह कह रहे थे कि आप लोग उनके ऊपर हमला करवा सकते हैं, आप लोग चाहते नहीं कि अरविंद केजरीवाल अयोध्या आए, तो क्यों हमला हमला करवाते हैं भाई आप लोग? देखिए, दौरे की बात आपने छेड़ दी, अभी तो थोड़ा सा पिछली सरकार का बाकी था, लेकिन चलिए खैर अगले उसमें नेक्स्ट दौरे पर आ रहे हैं। और हम लोकतंत्र में कोई भी जो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, निर्वाचन आयोग में जो भी है उसके नेता कहीं भी किसी प्रदेश में भारत में दौरा कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, संजय सिंह जाति से राजपूत हैं, मगर यहाँ उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री कैसे हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है? आजकल क्या हो रहा है, कहीं ब्राह्मणों का कोई नाम आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये मैं इनकी बात बता रहा हूं। दूसरी बात आई है, ये अरविंद केजरीवाल जी आ जाए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर 2-3 आरोप जड़े हैं कि एक तो उनके बैनर होल्डिंग पर इन्होंने पोत दिया, कोई एक सबूत हो ले आए, मैं कहता हूं, मैं आश्वासन देता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उसको। दूसरा, उनके ऊपर क्यों हमला कोई कराएगा, वो भी एक देश के नेता है, माननीय है किसी प्रदेश के, और जैसे सब लोग वैसे वो, तो ये हमला कराने की बात काहे बोल रहे हैं लोग? ये देखिए, मैं आ रहा हूं क्योंकि जो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से अपराध में लिप्त हो, मानसिक अपराधी है संजय सिंह। ओह अच्छा, उनके ऊपर मुकदमे कितने हैं देखिए ना। हाँ हाँ जी, मैं जान रहा हूं और बता रहा हूं, और इन लोगों की एक नियत ही है, तो एक मिनट और दीजिएगा, खत्म करता हूँ, पूरा टाइम है सर। इन लोगों की एक आदत है किसी के ऊपर आरोप लगा देना और मीडिया में चिल्ला चिल्लाकर उस आरोप को बोलना, अच्छा, बिना किसी उसके सबूत के। उसी का खामियाजा इन्होंने भुगता अरुण जेटली जी से, इन्होंने वहां पर जो है कोर्ट में माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से लिखित माफी मांगी, कपिल सिब्बल साहब से लिखित माफी मांगी, इन लोगों ने माफी मांगा है, तो बोलना और उसके बाद माफी मांग लेना कौन सी जो है पृष्ठभूमि दिखाता है इनकी? जो आज वो कर रहे हैं वो नया कर रहे हैं नितिन जी। ठीक है सर, वो नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? हुआ है प्रदीप भाई, आवाज मिल रही?
प्रदीप चौधरी जी आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिल रही। चलिए कोई बात नहीं, मैं सैयद मोहम्मद के पास सुनूंगा। सैयद जी, अभी आपने सुना, आप लोग ने एक बयान दिया था संजय सिंह जो आपके राज्यसभा के सांसद हैं, कि आपके जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अयोध्या आ रहे हैं, उनके ऊपर हमला हो सकता है। अभी शाही साहब से मैंने ये सवाल पूछा और उन्होंने जवाब भी दिया, तो ये जो मानसिकता वाली उन्होंने बात बताई कि वो कुछ उनका दिमाग का कुछ दिक्कत है और इसी वजह से कई सारे मुकदमे भी उनके ऊपर लदे हुए हैं और इसी वजह से वो इस तरह के बयान देते हैं ताकि आप लोग मीडिया में बने रहें, सहमत हैं आप इस बात से? इसी वजह से ये कदम आप लोग की तरफ से उठाया गया था? देखिए, जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रवेश किया है, एक राजनीतिक हलचल जो है मची हुई है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को बैकफुट पे पा रही, क्योंकि हमारे मनीष सिसोदिया जी ने चैलेंज किया था कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छा स्कूल दिखा दिए जो दिल्ली के किसी एक स्कूल से कंपेयर कर सके, लेकिन वो दिल्ली से यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ के शिक्षा मंत्री को चैलेंज भी किया, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनको बुलाया भी, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है यहाँ के वो उससे पूरे एबसेंट रहे, जबकि उन्होंने खुद कहा था। और उसके बाद वो स्कूल देखने गए यहाँ पे लखनऊ में, लखनऊ जो राजधानी क्षेत्र है, जो यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री जी रहते हैं, मुख्यमंत्री निवास के आसपास वो स्कूल देखने गए और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत, प्रशासन, पुलिस को लगा के उनको स्कूल नहीं देखने दिया, उनको रोक दिया गया। अच्छा। और उसके बाद हमारे सोमनाथ भारती जी जब आए थे पिछली बार यहाँ उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर भी इंक फेंकी गई थी। जब हमारे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी जो हैं, जब आपको याद हो कन्नौज में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा पेश आया था जिसके अंदर एक महिला के साथ जो है वो चार लोगों ने मिलकर बलात्कार किया था, फिर रातों रात जो है उसकी को शव को जला दिया गया था, जब वहां गए थे तब भी उनके ऊपर इंक फेंकी गई। तो इस तरह के कार्यकर्तापूर्ण जो है बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि वो मूल मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है, सही मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहती। शिक्षा के बारे में बात करिए तो जवाब नहीं देंगे, स्वास्थ्य के बारे में बात करिए तो जवाब नहीं देंगे। मुझे खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को आज जो है वो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने वादा किया, अस्पतालों के लिए वादा किया, मेडिकल कॉलेज के लिए वादा किया। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति है जो इनको प्रेरित कर रही, मजबूर कर रही जनता। अच्छा। जुड़े मुद्दों पे बात करें। अच्छा। वरना ये हमेशा इन्होंने हमेशा कभी स्कूलों की बात नहीं करी, कभी इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करी, कभी महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं की, कभी बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं करी, कभी उन्होंने बिजली का बिल कम करने की बात नहीं करी, कभी पेट्रोल डीजल के रेट कम करने की बात नहीं करी। मैं शाही साहब को चैलेंज करता हूँ, वो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं शाही साहब। हाँ शाही साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं इनसे जवाब देता हूं। नितिन जी एकदम बहुत अच्छा साधुवाद है हमारे आम आदमी पार्टी के साथी को, कम से कम इन्हीं की प्रेरणा तो मिली कि जो हम उत्तर प्रदेश को आज जो पिछली सरकारों ने इतना बीमारू बना दिया था, आज हम मेडिकल कॉलेज देने का और डॉक्टर देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा अपने आम आदमी के मित्र से कि वहां पर कुछ वादे किए थे दिल्ली में, जो दिल्ली में इनकी पूरी सरकार चल रही है, मेजोरिटी में है, उन्होंने कहा था कि ठेके पर जो लोग काम करते हैं उनको हम नियमित कर देंगे और सरकारी नौकरी देंगे। क्या दिया इन्होंने? बसों में मार्शल लगाने की बात की, कितनी नौकरियां दिया इन्होंने बताएं जरा। शीला दीक्षित के ऊपर जब आरोप लगाए थे 300 कितने पन्नों का, वो कहां चल गया आरोप? उसके बाद वो उन्होंने जो है उसको केंद्र सरकार के पास भेज दिया कि केंद्र सरकार देखे इसको, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है। पंजाब में मजीठिया जी ड्रग्स के बहुत बड़े कारोबारी हैं, केजरीवाल जी ने उनके ऊपर आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद जब मामला गर्म हुआ तो उन्होंने कह दिया नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये वादे हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो जवाब लेते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है सर, राम का अस्तित्व नकारने वाले आज राम के शरण में जा रहे हैं, ये ठीक है लोग। ठीक सर, जवाब लेते हैं। हाँ सईद भाई अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद प्रदीप जी के पास चलेंगे। प्रदीप जी आवाज मिल रही ना आपको मेरी? बस आ रहा हूँ आपके पास, सईद जी का जवाब ले लूँ। हाँ सईद बताइए। 25 अक्टूबर आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, आज के दिन हमारी उत्तर प्रदेश की धरती पे अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कदम रखे हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो भगवान राम, नहीं आप लोग पे हमला, भगवान राम ने बयान दिया था, भगवान राम ने हमेशा वचन जो कहा है वो निभाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, रघुकुल वीर सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आम आदमी पार्टी जो 70 वादे दिल्ली सरकार में किए थे वो सारे के सारे वादे आम आदमी पार्टी ने पूरे किए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अश्विनी जी से कि आप उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती कब कर रहे हैं? कब बिजली उत्तर प्रदेश के वासियों को 2 रुपए यूनिट मिलेगी? आप पेट्रोल सस्ता कब कर रहे हैं? आप डीजल सस्ता कम कर रहे हैं? अब तो किस सरकार के अंदर है? आप लोगों को सस्ती सुविधाएं कब दे रहे हैं? आप ट्रांसपोर्टेशन में कब फ्री कर रहे हैं? आप रक्षाबंधन कर देते हैं, साल भर क्यों नहीं करते? आप जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कर दिया वो मॉडल आप कब उत्तर प्रदेश के लोगों को देंगे? कब उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी इस महंगाई से जो लगातार उनके ऊपर थोपी जा रही है? आज की डेट में बिजली जो है उत्तर प्रदेश में 14 रुपए 15 रुपए यूनिट जो है उत्तर प्रदेश सरकार खरीद रही है, वो उपभोक्ताओं को इतने में देगी?
तो लग रहा आने वाले अच्छा टाइम एक में। सवाल मेरा आपसे है, ये आज प्रधानमंत्री जी कुछ भ्रष्टाचार की साइकिल के बारे में कह रहे थे, तो आप मानते हैं कि हाँ बीती सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी सपा वाली, वो भ्रष्टाचार की साइकिल पे ही चल रही थी? देखिए प्रधानमंत्री, मुझसे पूछते हैं, हाँ आप ही से पूछो सर। प्रधानमंत्री ने जो बात की है वो भ्रष्टाचार की बात की है, उनको अपना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं दिखता, दूसरी सभी पार्टियों को उनको भ्रष्टाचार दिखता है। अच्छा। अभी जल जीवन के अंदर लाखों करोड़ रुपए घोटाला हुआ, उसकी उन्होंने बात नहीं करी, और जितने भी एक के बाद एक प्रकरण आ रहे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी जो है जो ये मोदी जी हैं वो कुछ सही बात नहीं कर रहे, ऊपर से वो योगी जी की पीठ थतवा रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात में जब दंगे हुए थे तो उनको राजधर्म याद दिलाया था, जब वहां पे दंगे हुए थे। वही कांड यहाँ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किसानों को रौंद दिया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो राजधर्म जो है प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं योगी जी को याद दिला रहे हैं, क्यों योगी जी की पीठ थपथपा के जा रहे हैं, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्या वो नहीं दिला याद को नहीं दिख रहा है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? ठीक है, हम आते हैं प्रदीप भाई। सवाल मेरा सबसे पहला आपसे है, ये प्रधानमंत्री जी आज कुछ भ्रष्टाचार की साइकिल के बारे में बता रहे थे, तो वो कौन सी साइकिल है, और क्या अगर आप सरकार में आएंगे तो फिर से चलाएंगे क्या उस साइकिल को? नितिन जी, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको ये बातें शोभा नहीं देती हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार की बातें करना तो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। इनका सिंचाई सिंचाई मंत्री इनको बर्खास्त करना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में। तमाम इनकी आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 40 लाख 50 लाख जिले की गोलियां लगी। इसी इन्हीं के ऑफिसर थे, इन्हीं का डीजी था, बाकायदा पत्र वायरल हुआ, बाकायदा सारी चीजें हुई, इन्होंने जांच बिठाई। इनके राज्यपाल ने कल परसों बयान दिया है कि 150 करोड़ रुपए मेरे पास रिश्वत का ऑफर था जम्मू कश्मीर में सतपाल मलिक जी ने। तो प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार की बात नहीं करे तो ठीक है। अच्छा, वही बात समाजवादी पार्टी और भ्रष्टाचार की साइकिल की। साइकिल ऐसी चीज है जिसमें ना कोई तेल डलता है ना पेट्रोल डलता है और ना पर्यावरण का कोई नुकसान होता है। जो साइकिल की सवारी करेगा वह स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पैसे की बचत होगी और प्रदूषण हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। रही बात साइकिल से, प्रधानमंत्री जी को दिल्ली तक डर सताने लगा है नितिन जी। अच्छा, डीजल पेट्रोल के भाव जो आसमान छू रहे हैं और जिस तरीके से लगातार सभी राजनीतिक दलों का साइकिल की सवारी करने का जो जिस तरीके से एक मेला उमड़ पड़ा है, उस साइकिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को डर सताने लगा है उत्तर अच्छा, प्रदेश जाने का। ये प्रधानमंत्री जी जानते हैं अगर उत्तर प्रदेश चला गया तो अंध्र देश चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और थी प्रदीप भाई, ये भी कहा जा रहा था कि आपकी सरकार में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी कहा कि पहली ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में कोई है जो जनता के बारे में सोच रही है। आप लोग क्यों भाई, 5 साल आप थे सत्ता में, कम से कम थोड़ा बहुत तो जनता के लिए सोच लेते ताकि बीजेपी वाले आपको ये बात ना कहते आज। नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं। हाँ सर बताइए। शायद 40 किलोवाट का जनरेटर इतनी जल्दी बिजली नहीं बनाता है जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों झूठ बोल देते हैं। अरे भाई, ये सब नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता। इतनी झूठे लोग, इतने झूठे नेता जी। आज जिन 9 मेडिकल कॉलेजों की चर्चा हुई है ना, 7 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की प्रदेश में देन है। अच्छा, आप पता कर लीजिए कब बने, किसने जमीन दी, किसने मेडिकल सैंक्शन किया। शाही साहब कह रहे थे कि हमारा विकास है, शाही साहब कह रहे थे हमारा विकास। इनका विकास आप बताइए कहां है भाई, मेट्रो, ये तो मेट्रो भी अपनी बता देते हैं। हाँ। ये तो यमुना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में भी अपना बोर्ड लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कोई विकास नहीं किया है, अखिलेश यादव जी के काम का फीता काटा या नाम बदला है। प्रदीप भाई एक मिनट रुकूंगा। इनका अपना प्रदीप कोई भाई। विकास नहीं है, ना ही इनका कोई काम है। प्रदीप भाई एक बोलना, मिनट, लोगों को गुमराह करना, भाई से भाई को लड़ाना, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। प्रदीप भाई शाही साहब तोड़ करके राजनीति करना, चुनी सरकार को गिराना। प्रदीप भाई सुनिए, कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है प्रदीप भाई सुनिए, शाही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात सुन के, फिर मैं उसके बाद आपका जवाब लेता हूँ। शाही साहब क्या कह रहे हैं जी? देखिए नितिन जी, प्रदीप जी ने कहा, अच्छा कहा, लेकिन एक बात मैं प्रदीप जी को जानकारी में शायद न हो मैं बताना चाहूंगा
मायावती जी द्वारा बनवाए गए यमुना एक्सप्रेस वे का फीता अखिलेश जी ने क्यों काटा था, पहला चीज उनके ऊपर। अच्छा। दूसरा बात मेट्रो की करेंगे, मैं मेट्रो ठीक है, मेट्रो आप लोग आधी अधूरी छोड़कर भाग गए, सिर्फ नितिन जी आप और हम दोनों लखनऊ में रहते हैं, मवैया से आगे मेट्रो नहीं आई थी, वो कौन लेके आया, ये मैं बताना चाहूंगा। दूसरा मैं प्रदीप भाई को एक छोटा सा आधा 30 सेकंड का आंकड़े दे दूं, प्रदीप जी आप जो है 2 लाख का बजट आप पेश करते थे, 2 लाख करोड़ का, नितिन जी आप भी सहमत होंगे इससे, और हमने 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया, ये विकास अगर हो रहा है तो आज एक्साइज ये लोग वसूलते थे 12,000 करोड़, हमने प्रदेश को जो है बहुत आगे भी बढ़ाया और आज हम वसूलते हैं 36,000 करोड़। हमारा जो है इकोनॉमी जो है पहले पूरे देश में 5वें नंबर पर हुआ करती थी उत्तर प्रदेश, आज हम 2 नंबर पर हैं, तो हम ले आकर खड़ा किए हैं ना, ठीक है। जो आज जो एक कहेंगे कि निवेश 25,000 करोड़ का इनके समय में आया था, आज 2 लाख करोड़ का हमारे समय में आ चुका है निवेश, ठीक है। तो ये सब मैं 2-4 आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ इनको, ठीक, तो ये फीता काटने की बात, हमने जो मेडिकल कॉलेज बनाए, ठीक है सर जवाब, इनके जी, ये जी, कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की जमीन थी और बाकी सारी चीजें थी जो उसका कागज पत्र का काम था वो सब सपा वाले ही करके गए थे, आप लोग खाली आए फीता खरीदा चिपकाया और काट दिया, आधे अधूरे आधे मेडिकल कॉलेज हम बनाए भाई, आधे मेडिकल कॉलेज भी बनाए, तो जी कह रहे हैं हाँ, अरे तो ये 8 ही ठीक है, चलिए 8 इनको भी दे दीजिए, 9 तो एक हमने बनाया ना, 9 आज हुआ है। अच्छा पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनाया, अलाइनमेंट किसने किया, अरे काम हमने बनाया ना भाई, टेंडर किसने किया, और पूर्वांचल एक्सप्रेस की जमीन हमने खरीद के 4 साल बाद निर्माण नहीं करा पाए, आज बना नहीं पाए, हमने 22 महीने में अलाइनमेंट करा कर जमीन लेकर निर्माण करा के चालू कर दिया, ठीक है भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जमीन 7% जमीन एक्विजिशन करके माननीय अखिलेश यादव जी ने लैंड एजुकेशन किया, अलाइनमेंट किया, टेंडर किया, उसके बाद अब उसको 4.5 साल में नहीं बना पाए भाई। अच्छा दिक्कत वाली बात ये है कि श्रेय नहीं बट पा रहा है कि किसका कौन सा काम है, कर दिया जी जी बस बस, श्रेय नहीं बट पा रहा, ठीक है चल मैं आता हूँ कांग्रेस के पास चलूंगा, बहुत देर से चौबे जी शांत बैठे। चौबे जी आप लोगों ने कुछ प्रतिज्ञाएं ले ली है कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाएगी तो हम बहुत कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता को दे देंगे, वो सारी प्रतिज्ञाएं आपको पता ही होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी ट्विटर वाड्रा हैं, वो ट्विटर पर सिमट कर रह जाएंगी, और ये कह दिया है कि 7 विधायक आप नहीं जिता सकते हैं। चौबे जी कहां से ये सब कैसे पूरा होगा, केशव मौर्य जी स्थूल मंत्री है, आ रहा हूँ सर, प्लीज। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की चेन को सिद्धार्थ नगर से ही शुरू करता हूँ। पिछले कुछ दिनों देखा होगा आपदा में अवसर का लाभ मंत्री के भाई ने कैसे उठाया था, उस वाइस चांसलर और मंत्री पे कार्रवाई आज तक नहीं हुई, जो वहाँ वाइस चांसलर थे, जो वहाँ वाइस चांसलर थे दुबे जी, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लीजिए, मैं आपको एक पॉइंट दे रहा था, मैं आपसे एक पॉइंट पूछ रहा था, रायबरेली के एम्स के बारे में भी उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि रायबरेली का जो एम्स है ये सोने पर सुहागा है, वो तो कांग्रेस के समय में एम्स खुला वहाँ की जनता जानती है, आप भी जानते हैं, मैं यही देख रहा था कि श्रेय किसको किसको बटेगा, मैं भ्रष्टाचार की पहले चेन मेरी पूरी कर लेने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चेन है, तो दुबे जी वाइस चांसलर सिद्धार्थ नगर, उनके लड़के का हिंदी डिपार्टमेंट में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति होता है प्रोफेसर पद पे, जबकि उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं थी, और पूर्व वाइस चांसलर राम सकल सिंह जी ने इसको शिकायत किया था, आवाज उठाया था, राजभवन में भी अनेक शिक्षाविदों और समाज सेवियों ने शिकायत की कि उनके लड़के की शैक्षिक योग्यता पूर्ण नहीं थी, तब भी प्रोफेसर पद पे नियुक्ति कर दी गई। फिर दुबे जी का कारनामा देख लीजिए, भ्रष्टाचार की चेन, जब वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे तो उन्होंने मुन्ना तिवारी की नियुक्ति हिंदी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर पद पे किया, और वही मुन्ना तिवारी भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय यूनिवर्सिटी में आवेदन किए थे एसोसिएट प्रोफेसर पद हेतु, और उनका आवेदन भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कैंसल कर दिया था कि ही इज नॉट एलिजिबल फॉर यूजीसी रेगुलेशन, अर्थात उनके पास रिसर्च गाइडेंस का अनुभव नहीं है, वो भी प्रकरण राजभवन में पड़ा हुआ है, अनेक लोगों ने शिकायतें किया है, कोई कार्रवाई नहीं। इसके अलावा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमएम सिंह की नियुक्ति पिछले भाजपा के कार्यकाल में भूगर्भ विज्ञान में बिना
विज्ञापन के नियुक्ति की गई। और तो और मजेदार बात है कि वो मणिपुर के मूल निवासी हैं और एससी कैटेगरी में उनकी नियुक्ति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में की गई। तो किसी को रोजगार दिया जा रहा है, अदर स्टेट के लोगों को उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी में फाइट की जा सकती। तो पूछिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी इन पे कार्रवाई कराएंगे? भ्रष्टाचार की अगली चेन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव अपने जेई अमरीश गौतम जी से एसीपी लगाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। उसका ऑडियो मैंने भी और जेई साहब ने भी ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, गवर्नर और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, अब पूरे भ्रष्टाचार की चेन भाजपाइयों के साथ। अरे वो ठीक तो है, वो ठीक है। अच्छा ये केशव कोरोना प्रकरण में आप देख लीजिए, इनके माननीय विधायक देवमणि द्विवेदी जी ने भ्रष्टाचार पे आवाज उठाई थी मेडिकल सामानों के। भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, सुनिए तो, सुनिए तो भाई। फिर अब आ जाइए केशव मौर्य जी के बयान पे। अरे भाई अब उन्होंने विधानसभा उपचुनाव लड़ने की कहीं से हिम्मत जुटाई? वो तो चोर दरवाजे से विधान परिषद में भाग गए। उनके मुख्यमंत्री क्या विधानसभा लड़ने की हिम्मत जुटा पाए? टीएन सिंह का उदाहरण देखते हुए कि वो हार जाएंगे उपचुनाव, चोर दरवाजे से भाग गए। फिर उनके एक और डिप्टी सीएम, वो भी चोर दरवाजे से भाग गए, विधानसभा उपचुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उनसे पूछ लीजिए फूलपुर में उपचुनाव हुआ तो क्या मौर्य जी उपचुनाव लोकसभा जितवा पाए थे? और अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव का रिजल्ट आया, केवल दोनों डिप्टी सीएम तो खाता ही खोल पाए, अब मुख्यमंत्री जी अपने 17 विधानसभा क्षेत्रों में खाता नहीं खोल पाए, तो वो क्या बात करेंगे? ठीक है, टूरिज्म पे तो इनके प्रधानमंत्री आते हैं, इनके मुख्यमंत्री जाते हैं। जी हो गया। मेरा सवाल बस इतना सा था कि आप 7 विधायक कहां से जिताएंगे, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इतनी तो आपकी क्षमता ही नहीं है कि आप 7 विधायक जिता लें। आप 7 प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी कर सकते हैं? क्षमता नहीं रह गई है कि वो 7 विधायक भी पा जाए और पूरा उत्तर प्रदेश की जनता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, जवाब ले। शाही साहब कुछ कह रहे हैं आपको? हाँ शाही साहब बताइए। नितिन जी देखिए, हमारे मित्र जो चौबे जी हैं वो कुछ रट के आए हैं तो कांग्रेस में उनको बोलने दीजिए नितिन जी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछला चुनाव देखिए आप, पिछले चुनाव में 41 सिर्फ आपको प्रत्याशी मिले थे, वो भी सपा के पीछे पीछे घूम घूम कर शायद आप चुनाव लड़े थे, तो 41 मिले थे। इस बार 160 महिला प्रत्याशी का आपके नेता ने जो है दम भरा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कुल प्रत्याशी आप 250 खोज लीजिए, देखिए 250 प्रत्याशी आपको मिल जाए तो कांग्रेस उस दिन जो है 5% से 8% की पार्टी हो जाएगी। आप तो पहले ही चुनाव हार गए हैं, 200 विधायकों आपके पहले ही धरना पे बैठ चुके हैं। आप क्या बात करते हैं, आपके गठबंधन के एक मंत्री आपको रोज गाली देते हैं, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी आप गठबंधन के लिए दौड़ते हैं। पूरे देश में सारे घटक गठबंधन के दल आपसे आज अलग हो गए हैं, आज आप अकेले हाशिए पे खड़े हैं। नितिन जी, लालू जी जैसे नेता ने इनको कहा भक्त, वो तो भक्चोनर है कांग्रेस का, वो जो हमारा यहाँ का आदमी है भक्चोनर। अरे उद्धव ठाकरे ने आपको क्या कहा ये तो बता दीजिए, लालू जी ने कहा है, राजभर जी ने तो कहा कि चार पैरों पे, लालू जी ने क्या कहा भाई, चार पैरों पे नहीं जा पाएंगे। मिश्रा जी वो तो आपके मंत्री थे, लालू जी बड़े पुराने साथी हैं आपके, बहुत पुराने साथी हैं लालू जी आपके। प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार की चेन पे तो आप जवाब दे दीजिए, इस पे कार्रवाई कितने घंटे में कराएंगे या फिर अगली सरकार का आप जो है आश्वासन देंगे? अब तो सरकार देश में कभी आपकी आनी नहीं है, प्रदेश में आनी नहीं है, धीरे धीरे पूरे देश से समाप्त होते जा रहे हैं। अरे भाई मेरा भी सवाल लीजिए सुनिए प्रदीप भाई, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। चौबे जी, प्रधानमंत्री जी ने सपा को आज भ्रष्टाचार की साइकिल बताया, उससे आप कितना राजी हैं, कितना आपको लगता है कि हाँ इस पर सहमति बनाई जा सकती है? देखिए हमने पहले भी कहा कि सन 89 छोटे कम शब्दों में कम समय में जो भी दल आए वो उत्तर प्रदेश के दुर्दशा,
के लिए जिम्मेदार हैं। अच्छा, पहले बसपा और भाजपा आई गठबंधन में, भ्रष्टाचार को बढ़ावा और समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, सारी चीनी मिले बेच दिया, सारे सपा वाली बताइए, सपा वाली जो हमने उद्योग कारखाने सपा वाली बताइए उसके बंद कर दिया, हमने जो ब्लॉक स्तर तक सरकारी हॉस्पिटल बनाए थे उसका बुरा हाल कर दिया, हमने गांव-गांव जो प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल बनाए थे उसका दुर्दशा कर दिया। ये तो शिक्षा का बाजारीकरण और व्यवसायीकरण करने वाले लोग हैं। सपा वाली, सपा वाली, सपा वाली। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि तीनों ही दल मिले हुए हैं, एक ही सिक्के के ये तीन पहलू हैं। ठीक है प्रदीप भाई, उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी। ठीक है, हो गया, चौबे जी हो गया। प्रदीप भाई आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है प्रदीप जी। चौबे जी जो कांग्रेस से हैं वो कह रहे हैं कि मैं सहमत हूं इस बयान से, ये जो भ्रष्टाचार की साइकिल वाली बात है। ऐसा है, चौबे जी से क्या कहना, चौबे जी तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मर्दर एक्सप्रेस से भी तेज दौड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है, सीट मांगते हैं 200 है भैया, क्या करें। हेलो जी, सुनिए, कांग्रेस पार्टी का हाल, कांग्रेस पार्टी का हाल ये है कि कमरे में ये कुर्सी तो लगी है 200, लेकिन बैठने वाले लोग हैं दो। अच्छा, बनारस की रैली ये क्या, यूपी में जब हमारे साथ इन्होंने 2017 में गठबंधन किया, सीट मांगी 100, लड़ने वाले नहीं थे 20, बिहार में सीट मार ले ली 70, लड़ने वाले लोग नहीं थे 15। तो कांग्रेस की स्थिति तो बहुत अलग तरीके की है। फिर हमें करना क्या है, आने वाले समय में 2022 में पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, पूरा प्रदेश सब महंगाई से त्राई त्राई कर रहा है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर खाद यूरिया डीएपी। आज किसान नौजवान गरीब कामगार मजदूर छात्र महिलाएं ठीक है, ठीक आस्था भरी नजरों से अखिलेश यादव। प्रदीप भाई एक सवाल ले लीजिए, साइकिल दिल्ली का भी रास्ता तय करेंगे। आप दिल्ली पे आ रहे हैं, मैं भी दिल्ली पे ही आ रहा हूं। साइकिल से इसलिए बेचैन है, इसलिए बेचैन है नितिन जी, क्या उत्तर प्रदेश में साइकिल चल गई तो ये साइकिल दिल्ली जाके रुकेगी और प्रधानमंत्री को झोला उठा के गुजरात जाना पड़ेगा। ठीक है, दिल्ली से एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि दिल्ली आप कब जाएंगे ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन दिल्ली वाले कुछ जो हैं वो आज अयोध्या आए हैं, अरविंद केजरीवाल उनके जो सांसद हैं और यूपी के प्रभारी हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जो दिल्ली वाले हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें अयोध्या जाने से रोका जा सकता है, उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो क्या बीजेपी वाले हमला करवा सकते हैं और आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला हो सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब मैंने ये सवाल बीजेपी से पूछा कि आप लोग हमला क्यों करवा रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि एक खाली प्रोपोगंडा रचने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी का रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सहमत है किस बात से? हेलो, हाँ सवाल सुना आपने मेरा, ऐसा हाँ नितिन जी, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करवा सकती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री का बेटा जब किसानों पे गाड़ी चला सकता है, देश के अन्नदाता को कुचला जा सकता है, निर्दोष लोगों को ठोका जा सकता है, कभी पुलिस किसी को ठोक देती है, कभी जनता किसी को ठोक देती है, कभी इनके मंत्री का बेटा तो किसानों को ठोक देता है, आज पूरा प्रदेश बाबा की ठोकर नीति के चक्कर में कंफ्यूज है। अच्छा, ठोकना किसको है और पकड़ना किसको है, आपने देखना होगा वरुण बाल्मी की हत्या आगरा पुलिस ने कर दी, मनीष गुप्ता की हत्या गोरखपुर पुलिस ने कर दी। जिस जो रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, जिस पुलिस को हम अपना रक्षक समझते हैं, वही पुलिस आम जनमानस को व्यापारी को ठोके दे रही है, तो कोई भरोसा नहीं है किसके ऊपर ये हमला करा दे, क्या षड्यंत्र कर दे। आपके सामने लखीमपुर खेरी में मंत्री के बेटे ने आप बताइए किस तरह से किसानों को रोंदा है, गाड़ियां चढ़ा दी देश के अन्नदाता के खिलाफ, ऊपर जो ये किसान के नहीं है नौजवान के नहीं है तो केजरीवाल के क्या होंगे, बता देखो सही उनका अंदेशा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है। अच्छा, क्योंकि इनका इतिहास बहुत खराब रहा है देश की आजादी में। ठीक है ठीक है ठीक है सर, आता हूं। जी, देश की आजादी में माफी वीर रहे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, देश के साथ गद्दारी की। ठीक है, मैं आता हूं। बराबर करने माफी मांग मांग के 6 बार माफीनामा लिखा। ठीक है प्रदीप भाई, आता हूं। तो अंग्रेजों के दलाल रहे। ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है प्रदीप भाई आता हूं। सैयद, आपसे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी सहमत है, वो भी कह रही कि बीजेपी कुछ ना कुछ तो जरूर करवा सकती है आप लोगों के साथ।
देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसके साथ क्या हो सकता है किसी को पता नहीं। आप किसी के ऊपर हमला हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारतीय पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता के पार्टी के लोग ये सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि इनको कोई नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये हमला करवा के क्या करेंगे? एक नया योगी जी के आने के बाद एक नया उत्तर प्रदेश में टर्न आया है कि यहाँ जो हत्या करता है, जो अपराध करता है, उसको पुलिस सुरक्षा कर देती है और जो कहता भाई हमारे ऊपर हमारे साथ प्रकरण किया गया है उसको पुलिस जेल में ले जाके उसको मारती है, वो मर जाता है। आपने देखा कि उन्नाव कांड के अंदर जब इनके कुलदीप सेगर के ऊपर केस लगा और महिला ने कहा जिसके उसका पिता गया तो उसको इतना मारा उसके अंदर, उसकी आंतें फट गई, उसकी डेथ हो गई पुलिस कस्टडी के अंदर। और आप डेटा उतार के देख लीजिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा देश के अंदर कस्टोडियल डेथ जो हो रही है, पुलिस की हिरासत में डेथ हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो वो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो बिल्कुल निरंकुश हो गई, वो किसी को कुछ भी करने को तैयार है। और इतने फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, सरकार को इसे डेटा नहीं दे पा रही कितने लोग फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को भयमुक्त कर दिया है, अपराध मुक्त कर दिया है, ये भयमुक्त है। आज की डेट में एक महिला रात में निकलने से डरती उत्तर प्रदेश के अंदर कि इतने सारे बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, इतने ज्यादा क्रिमिनल हो रहे हैं, इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक सवाल है मेरा, ये शाही साहब को किस चीज का डर है आप लोगों से जो आप लोगों के ऊपर हमला ये लोग करवा देंगे? इनको डर ये है कि इनकी सरकार जा रही है। अच्छा, कोरोना के दौरान जिनकी लाशें गंगा में बह गई, कोरोना के दौरान जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन कंप्लेन करने पे उनको जेलों में ठूसा गया, कोरोना के दौरान किसानों ने अगर परोली धराई तो उनको योगी जी ने जो है उनको लठियाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की पुलिस की। हर जगह ये पुलिस की कार्रवाई करते हैं, पुलिस को उन्होंने इतना मिसयूज किया है कि जनता के अंदर पुलिस का डर खत्म हो गया है। अब जो होगा देखा जाएगा, गोली बढ़ेगी, मार दिए जाएंगे, लेकिन हम लोग विपक्ष के लोग और उत्तर प्रदेश जनता के लोग अपनी आवाज उठाएंगे। हम लोग अतीत जोगीदास से नहीं डरते, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरते, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिपाही हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के सिपाही हैं, हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं, हम जवाहरलाल नेहरू के सिपाही हैं, हम नहीं डरते इस किसी से। हम पूरी पूरी मुखर तरीके से पूरी तेज आवाज में आवाज उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में और देश में सब जगह बोरिया बिस्तर बनने वाला है। इनको एहसास हो गया है कौन उत्तर प्रदेश का नागरिक आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर लेने जाता है, कौन उत्तर प्रदेश का नागरिक 100 रुपए से ज्यादा महंगी डीजल लेने जाता है, कौन उत्तर प्रदेश का नागरिक 1000 रुपए से ज्यादा महंगा सिलेंडर लेने जाता है। कबाड़ में लोग सिलेंडर बेच रहे हैं, कबाड़ सिलेंडर की मध्य प्रदेश के अंदर देखा आपने, एक लड़की ने जो है उसका सिलेंडर खत्म हो गया था, उस लड़की ने बेचारी ने जहर खा लिया, ये पकड़ हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कि उसको दूसरा जो सिलेंडर जो है वो रिचार्ज नहीं कर पाई, भरवा नहीं पाई, ये पकड़ उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं जहां के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जहां के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जहां के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश की भारत से बाहर प्रदेश नहीं है, उसके ऊपर पीठ ठोकी जाती है, शाबाशी दी जाती है। ये राजधर्म सीखा है मोदी जी ने, आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने सांसद के अंदर सभी विपक्षी दलों की तारीफ की थी, उन्होंने कहा था हम नहीं कह सकते कि 70 साल के इतिहास में इस पार्टी ये नहीं किया, इस पार्टी ने, उन्होंने कहा सारी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के देश के विकास में बराबर का सहयोग किया। आज मोदी जी कहते हैं 70 साल में किसी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, इन्होंने विकास किया खाली। ठीक है, मैं जवाब ले लूं। शाही साहब कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद हम चौबे जी के पास चलेंगे। जी जी जी, देखिए नितिन जी, आम आदमी पार्टी के नेता ने, अब आपका प्रश्न भी था और उन्होंने जवाब भी दिया। एक मैंने पहले भी कहा कि ये लोग प्रोपगंडा पार्टी हैं, इनको कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं था। चलिए दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई 3 बार, तभी गंभीरता से लेता अमित शाह ने पर्चे बांटने पड़ गए अमित शाह जी को दिल्ली के अंदर। अरे भाई रुक जाइए, 3 बार लगातार केजरीवाल की सरकार नहीं। मैंने नहीं बोला भाई बीच में। उसके बाद देखिए, लोग मारने पीटने की जो बात हो रही है मेरे ऊपर हमला हो सकता है, ये प्रोपगंडा के अलावा कुछ नहीं है। दिल्ली में मुख्य सचिव को अपने कार्यालय में बुलाकर मारने वाला कौन था? मारने का हमला करने का साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, बाद में साबित नहीं हुआ कहीं। अरे भाई आप देखिए, वो पूरी देश के मीडिया ने चलाया, साबित मीडिया ने चलाया, लेकिन मीडिया बहुत चला रहा है, साबित नहीं हुआ। मीडिया ने बहुत चलाया, साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने कहा कि मैं इनका सिपाही हूँ, भारत माता का सिपाही हूँ। अरे अन्ना के सिपाही तो बन नहीं पाए, तो आप भारत माता के और जो है देश के क्या सिपाही बनेंगे, गांधी के सिपाही क्या बनेंगे? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी की बातें हैं नितिन जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है ख्याली पुलाव पकाकर उत्तर प्रदेश में ये लोग आकर अपनी चीज है, राजनीतिक दल है, पैर जमाना है, कहीं ना कहीं तो आएंगे ही आएंगे। ये बार बार नारा देते रहे भ्रष्टाचारियों से हम नहीं मिलेंगे, पूरे दुनिया ने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी, लालू प्रसाद यादव जो भ्रष्टाचार में जेल में बंद थे,
उनसे मंच पर किस तरीके से गले मिल रहे थे, ये है इनका असलियत। अच्छा शाही साहब, शाही साहब सपा भी कह रही है कि आप हमला करवा सकते हैं क्योंकि आप लोग ठोको नीति पे काम कर रहे हैं आजकल। देखिए सपा का क्या है, सपा चूंकि गुंडे और अपराधियों की पार्टी है तो अच्छा। ये लोग देखिए खुद हर जिले में मार बवाल हो रहा, कासगंज से लेकर बवाल हो रहा है। नहीं देखिए कुछ अच्छे लोग भी होते हैं प्रदीप भाई, उसमें हो सकते हैं, लेकिन जब आप पत्रकारों के साथ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संभल में क्या हुआ, किस तरीके की घटना हुई वहां पर, किस तरीके से पीटा गया लोगों को, तो रामवृक्ष यादव को याद कीजिए, डिप्टी एसपी को किस तरीके से इन लोगों ने मथुरा में मरवाया था, ये सब चीजें कांड याद रखिए। तो वो जैसा जो होता है वैसी उसकी सोच होती है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में भरोसा नहीं रखती। हाँ जो अलोकतांत्रिक होगा, जो अपराध में लिप्त होगा, उसकी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है, या तो जेल में होगा या वो प्रदेश छोड़कर जाए, नहीं तो मार दिया जाए। ठीक है सर, ठीक है। सही भाई, सही भाई, फाइनल कमेंट है, कम समय में पूरी बात। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गीदड़ भक्तियों से डरने वाली नहीं है, वो सीने पे चढ़ के मुंह दलेगी और एक एक भ्रष्टाचार इनका हम खोल के रख देंगे, इन्होंने लगातार जितने भ्रष्टाचार किए हैं और सब दिखाएंगे और सब जनता के सामने लेंगे और इनको लगातार बताते रहे जनता कितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है चौबे जी, 30 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। कबीरदास जी ने कहा है कि पकी खेती देख के गर्व किया किसान, और जो हूँ झोला बहुत है घर आवे तब जान। सुबोध सिंह के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी नहीं है तो क्या प्रदेश छोड़ के भाग गए? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीओ और 8 पुलिस वालों की हत्याएं बिकरू में नहीं हुई? क्या निर्दोष महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बिना जांच के और न्यायालय के सजा दिए, जेल में ठूस नहीं दिया क्या? क्या केवल ब्राह्मण होना है उन महिलाओं का गुनाह नहीं था तो क्या है? आपके मुख्यमंत्री जो ब्राह्मण विरोधी है तो इसका मतलब किसी भी विधवा को जेल में ठूस देंगे? अब पुरुषों से नहीं लड़ पाएंगे तो महिलाओं से लड़ेंगे? ये रावण राज नहीं है तो क्या है? ब्राह्मण नहीं था, ये रावण राज नहीं है तो क्या है, बता दीजिए। जो सीओ मरे वो ब्राह्मण नहीं थे। दोनों की हत्याओं की बात कर रहा हूँ, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मंत्री और उनके बेटे को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये घटना घटी ही क्यों? अगर अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए थे तो फिर 8 पुलिस वाले मारे ही क्यों गए? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई क्यों? आपके गोरखपुर के विकास मॉडल देखने वाले मनीष गुप्ता की हत्या हुई क्यों? लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या हुई क्यों? आप जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया। बेटी के साथ हत्या हुई क्यों? हाथरस में रात को 12 बजे बेटी की चिता जली क्यों? ठीक है भाई, जवाब ले लेंगे चौबे जी, हम जवाब ले लेंगे। आ रहा हूँ शाही साहब। प्रदीप भाई फाइनल कमेंट, 30 सेकंड, कुछ बोलना चाहेंगे? गुंडों की पार्टी, गुंडों की पार्टी बताया गया है आप लोगों को? अभी जो गुंडों की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी पे कोई भी विकास का एजेंडा नहीं है। अरे असली गुंडे तो इनके पास में बुलंदशहर में इनके एक कार सेवक ने, इनके जो आरएसएस का पदाधिकारी था उसने इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी और जेल से छूटने के बाद ऐसे माला पहना करके लेके आए। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? एक इंस्पेक्टर अपना ड्यूटी पर शहीद हो गया और उसके हत्यारे को माला पहनाकर जेल से लेके आए और उसको आकर के इन्होंने पदाधिकारी बना दिया और समाजवादी को गुंडों की पार्टी बनाएंगे? ए, आपका मंत्री के बेटा दिनदहाड़े किसानों पे गाड़ी चढ़ा रहा है और गुंडों की पार्टी समाजवादी होगी? ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में। ठीक, इनको ये साबित कर देगी कि देश का नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, देश का नौजवानों का नेता, किसानों का नेता, मजदूर का नेता अगर कोई है तो उनका नाम है माननीय अखिलेश यादव जी। ठीक है भाई, हो गया। हाँ शाही साहब, प्रदेश की जनता 2022 में इनको भाग का रास्ता दिखाएगी। प्रदीप भाई हो गया, प्रदीप भाई हो गया, गुंडा ही जो ठोको नीति। प्रदीप भाई हो गया, हो गया भाई, हो गया। शाही साहब से जवाब तो लेने दीजिए। अरे आज तक जुमला साबित हुआ, आज के सारे अखबारों में छपा हुआ है। ठीक है चौबे जी, शाही साहब से जवाब तो ले ले, इनके समय में आतंकवादियों। प्रदीप भाई हो गया, शाही साहब से जवाब ले लेते हैं, फिर डिबेट को खत्म भी करना। हाँ शाही साहब, नितिन जी जितना इन लोगों ने गिनाया लगभग 99.9% अपराधी जेलों में है और जो आपके डिप्टी सीएम का मुकदमा नहीं वापस ले लिया क्या? वो जेल में है, क्या इंटरनेशनल माफिया आपके पार्टी में अध्यक्ष नहीं है? अपराधी सदन में पहुंचता है, अपराधी जब सदन में पहुंचता है, आज कहीं सदन में आप बहस कराते हैं क्या?
जनता के किसी मुद्दे पे समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि हिम्मत हो तो बोलिए कि ठोक देंगे। पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, प्लीज प्लीज, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं प्लीज। चलिए चलिए डिबेट खत्म करिए, डिबेट खत्म करिए, डिबेट खत्म करिए, डिबेट खत्म करिए, डिबेट खत्म करिए प्लीज। चौबे जी प्लीज, हो गया डिबेट खत्म करिए, समय हो गया, समय हो गया है, डिबेट को खत्म किया जाए। आप सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौबे जी प्लीज, आप चौबे जी पर्सनल नहीं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो आज का मुद्दा था वो यही था कि जो विकास लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है और दूसरी तरफ दौरे और बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। ये जो टेम्परेचर था, मैंने कहा था शुरुआत में ही कि ये टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और आज की डिबेट के अनुसार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि लगातार ये जो तापमान है राजनीति का ये गर्मा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव है, कई सारे मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों पर ये राजनीतिक दल अब जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जनता अपने मुद्दों पर टिकी रहे तभी उसके लिए बेहतर होगा। आज की डिबेट में इतना ही, मैं दिव्य जनमति, नमस्कार। भ्रष्टाचार की साइकिल 2400 घंटे अलग से चलती रहती थी। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है।